साहिब जीयो दया मया कर प्राण पत मोरे मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी अंधकूप मह हाथ दे रखो हो कशु सयानप उकत ना मोरी हस्त अलंबन देहु प्रभ करतो उदर गोपाल मोह निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल मोह निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निगी गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो मन बिरतियां एकागर करके बैन अते सुनन दी कृपालता करियो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी रहमत दे सदका एक लड़ी प्रारंभ करन दा निमाना यतन कर रहे हां। आनंदपुर साहिब तों लै के जंग मुकतसर तक दा इतिहास गुरबाणी एक ओंकार तों लै के अखीर तक नरोल आत्मिक विचार है। मन मैला किवें होया, मन दे उत्ते लगी हुई मैल उतरेगी किवें, मन दे रस्ते दे अंदर केड़ियां केड़ियां कठिनाइयां आउंदियां ने, उन्हां कठिनाइयां नूं पार किवें करना है, उलंघना किवें है, इन्हां तमाम सवालां दा जवाब गुरबाणी विचों मिलदा है। आत्मा परमात्मा दा विछोड़ा किस तरह ते आत्मा परमात्मा दा मिलाप मुड़ दुबारा होवे ते किस तरह होवे, इन्हां तमाम जरहस अते रमजां दा जवाब धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी बाणी विचों मिलदा है। इस तरह कह लो बाणी नरोड़ आत्मिक विचार है। ठीक दूसरे पासे इतिहास ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ, ਕਿਹੜੀ ਅੰਸ਼, ਕਿਹੜੀ ਵੰਸ਼, और उन्हां ने जीवन काल दे अंदर रह के महान कारनामे केड़े कीते हैं। इन्हां तमाम गल्लां दा जवाब इतिहास दे पन्नियां तों मिलदा है। इस तरह कह लो गुरबाणी आत्मा है उदाहरण वजों ते इतिहास शरीर है। जिथे आत्मा दी गल बड़ी जरूरी है उथे नाल लगदी इतिहास दी गल भी अति जरूरी है, बड़ी जरूरी है। जिथे मन दी संभाल बड़ी जरूरी है उथे नाल लगदी शरीर दी संभाल भी उन्नी जरूरी है। ना शरीर नूं नकारिया जा सकदा है ते ना आत्मा नूं नकारिया जा सकदा है, कदी आत्मिक विचार ते कदी इतिहास दे विचार। इस तों अगली बेनती एक होर करदा चला, क्योंकि इतिहास दी प्रारंभता करनी है। गुरबाणी गुरु साहिबाना दी कृत है, गुरबाणी सतगुरु साहिबाना दी रची हुई उचारी हुई है। इस कारण गुरबाणी दे अंदर किधरे वाल दा फर्क बाकी नहीं है, झूठ दी लेस नहीं है। और मैं अक्सर एक बेनती करया करदा
कि गुरबाणी दे बोल सानू एक्सप्लेन करने ना आउन, खुलने ना आउन, असी अर्थ भेद ना समझा सकिए, ए ते गल वखरी है। तुहाडे विचों किसी श्रोते की पकड़ विच गुरबाणी का कोई वचन ना आवे, ए भी गल वखरी है। पर कदी भी इस तरह उंगल करके ए गल ना क्यों कि सतगुरु तेरा आ बोल इथे आण के झूठा पै गया। गुरबाणी अजे तक झूठी पई नहीं, एक बार भी गुरबाणी का कोई बोल अदल बदल करन दी लोड़ नहीं पई, और ना ही आने वाले समय दे अंदर गुरबाणी का बोल बदलन दी लोड़ पैगी। अगां वधु युग दे नाल, अडवांस युग दे नाल, जिवें जिवें जमाना तरक्की दे राह दे उत्ते चलदा जा रहा है, ग्रंथां नूं वाचिया जांदा है, ग्रंथां नूं पढ़िया जांदा है। जिस ग्रंथ दे सलोक साइंटिफिक आधार दे उत्ते खरे नहीं उतरदे, उन्हां नूं चुक के बदल दिता जांदा है। और मैं नाम नहीं लैंदा, यही कारण है कई ग्रंथ कई कई वार बदले जा चुके ने, कई कई वार। एग्जाम्पल एक मैं तुहाडे सामने रखदा चलदा, बाइबल दी फर्स्ट एडिशन दे अंदर एक गल लिखी हुई मिलदी है कि जेड़ी धरती है वो चपटी है। बाइबल दी पहली एडिशन दे अंदर धरती चपटी है, और अज बाइबल दे अंदर एक गल लिखी हुई मिलदी है कि धरती गोल है, अंडाकार शकल दे अंदर है, धरती गोल है। जद असाई जगत विचों फर्स्ट टाइम उठिया गलैलियो, ते गलैलियो ने उठ के ए आवाज बुलंद कीती कि मेरी खोज मेरा ज्ञान, ए गल कहिंदा है मैं अपने नेत्रां दे नाल ए चीज वेख रहा कि धरती अंडाकार शकल दी अंदर ए, धरती गोल है, चपटी नहीं है। गलैलियो नूं फड़िया गया, गलैलियो नूं तसीहे दित्ते गए, ए गल कही गई कि मन धरती चपटी है, गोल नहीं है। वो कहन लगा ठीक है, मैं तुहाडे सामने मन लेना, कबूल कर लेना कि धरती चपटी है, पर मेरे बोल बोल देन दे नाल भी, मन लैन दे नाल भी इन्हें चपटी बनना नहीं रहना, गोल ही है, क्योंकि मैं वेख चुका धरती चपटी नहीं, इन्हें गोल ही रहना है। अज हर क्रिश्चियन स्कूल दे अंदर बचपन तो लेके गल पढ़ाई सिखाई जा रही है, धरती चपटी नहीं है, धरती गोल है। पर जिन्हें सब तो पहला ए आवाज बुलंद कीती, उन्हों सजा की मिली फांसी दी सजा, गलैलियो नू फांसी दी सजा। तो खैर मैं अर्जे कर रहा सा कि अगां वधु युग दे नाल, अडवांस युग दे नाल, जद ग्रंथां दे सलोक खरे ते पूरे उतर दे नजर नहीं पैंदे, उन्हां ग्रंथां दे सलोकां नू चुक के तब्दील कर दिता जांदा है, बदल दिता जांदा है, क्योंकि ओ अडवांस युग दे नाल उन्हां दा तालमेल बहिंदा नहीं है, गल बनदी नहीं है। गुरबाणी दा एक भी बचन इस तरह दा तुहानू नहीं मिलेगा, और मैं सिख प्रचारक होण दे नाते नहीं कह रहा, तुसी बिल्कुल निष्पक्ष बिरती दे नाल न्यूट्रल माइंड करके विचार के वेख लो, गुरबाणी दा कोई बोल अधूरा नहीं मिलेगा। कदी रूस वालियां ने गल कही सी कि केवल धरतियां ते आकाश 14 ने, गिनती दे अंदर 14 इस तों वध नहीं है। उस तों बाद अमेरिका वालियां ने ए गल कह दित्ती कि 14 नहीं, साडी सोच इस तों अगे जांदी है, साडी खोज इस तों अगे जांदी है। पुछिया तुहाडा कहना की, ओ कहिंदे ने गिनती 21 है, 14 नहीं। अमेरिका वालियां ने कह दिता 21, बड़े पहलां दी गल। अज डॉक्टर करतार सिंह सोलन शहर दे रहन वाले एक बुक लिखदे ने, गुरबाणी दे आधार, उस बुक दा नां है गुरमत वख्यान। मैं तिन्ने चीजां तां तुहानू दस रहा, लैके पढ़ लियो। गुरमत वख्यान पुस्तक दा नां, लखारी दा नां डॉक्टर करतार सिंह, रहन वाले ने सोलन दे, चंडीगढ़ तों उपरले पासे, बड़ा सुंदर रमणीक शहर सोलन शहर, उथों दे रहन वाले। उन्हां ने जो बयान कीता है, वो कहिंदे ने 10 करोड़ आंकड़िया नूं 10 करोड़ दे नाल गुणा करो, जो उत्तर आउंदा है उन्हों दोबारा 10 करोड़ दे नाल फिर गुणा दियो, जो उत्तर आएगा इनिया धरतियां आकाश पताल अज दे विज्ञानी दी अख ने वेख लिया ने, अज दे विज्ञानी दी अख ने इन्ना कुछ वेख लिया। हर विज्ञानी चलदा है पिछले विज्ञानी दी खोज नूं आधार बना के, जो पिछले विज्ञानी ने खोजे है उन्हू सीढ़ी बना के विज्ञानी अगे नवी नवी खोज करनी शुरू कर देंदा है, और विज्ञान दे तथ आए दिन बदल देने, यही कारण है, होर कोई कारण नहीं है।
हर विज्ञानी जान लगा यह गल कह जाता है कि मेरी खोज पूरी नहीं हुई, अजे अधूरी है, खोजना बहुत कुछ बाकी है। गुरबाणी का एक भी बचन तुहानू इस तरह का नहीं मिलेगा जिस बोल दे अंदर कोई अधूरा पन बाकी हो। गुरबाणी दे अंदर कोई अधूरा पन, झूठ दी लेस या कोई मकारी या कोई चलाकी या कोई राजनीति का तत् इस तरह का बोल तुहानू नहीं मिलेगा। गुरबाणी नरोल सच का खजाना है। और मैं फिर बेनती करा, न्यूट्रल माइंड होके कोई भी विचार के गुरबाणी नू पढ़ के वेख सकता है। हां, कोई बोल तुहाडी पकड़ विच ना आवे, एकदम फैसला करके कह देना गुरबाणी दा ए वचन अज दी विज्ञान दे आधार दे उत्ते खरा नहीं उतरदा, इह साडी अपनी अज्ञानता है, थोड़ा बह के विचार विमर्श करो, सज्जे खब्बे दूसरिया नू पुछो, तुहानू समझ आ जाएगी इस बोल दी गहराई की है। बोल दे अंदर सतगुरु कहना की चाहुंदे ने। गुरबाणी गुरु साहबाना दी कृत है, इस करके गुरबाणी अधूरी नहीं है। ठीक दूसरे पासे पैरलर इतिहास, क्योंकि किसी भी कौम दे कोल दो रीढ़ दियां हड्डियां दा होना बड़ा जरूरी है। रीढ़ दी हड्डी दे दो मणके, एक उन्हां कोल कलाम होवे उन्हां दे गुरु दी, दूसरा उन्हां कोल इतिहास होवे ते इतिहास भी सिरजनात्मक होवे, इतिहास भी उसारू होवे, तेंदी कला वाला इतिहास ना होवे। वैसे ते किसे कौम दी रीढ़ दी हड्डी दे मणके हुंदे ने तीन। नंबर एक दे उत्ते अहले कलाम, कलाम दा मतलब है बाणी, अहले कलाम, उस कौम दे कोल बाणी किन्नी कु संपूर्ण है, बाणी किन्नी कु सच दे नाल जोड़न वाली, बाणी दे अंदर सारियां लई उपदेश है या एक जात बरादरी कौम वास्ते है। उन्हां दी बाणी दा म्यार की है, बाणी किस तरह दी है, केवल अपने अपने उपदेश दे रही है या खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वरना को संझ, पूरी मनुखता वास्ते है या एक तबके वास्ते रिजर्व है, राखवी है, बाणी है किस तरह दी, बाणी दा म्यार की है। नंबर एक दे उते अहले कलाम, नंबर दो दे उते आउंदा है अहले मुकाम, मुकाम दा मतलब हुंदा है जगह, मुकाम उर्दू दे अंदर कह देंदे ने थां नूं, मुकाम कह देंदे ने जगह। उस कौम दा कोई केंद्रीय स्थान है, जिवें साडा केंद्रीय स्थान श्री हरिमंदर साहब, इस्लाम दा केंद्रीय स्थान मक्का काबा, इस तरह किस कौम दा केंद्रीय स्थान की है ते उथों मैसेज की मिलदा है, उथों आउण वालियां नूं सर्विस की मिलदी, उथों संदेश की मिलदा है। नंबर तीन दे उत्ते अहले निजाम, इन्हां दो चीजां नूं प्रचार विच लियाउण वास्ते निजाम दी लोड़ पैंदी है, निजाम कहिंदे ने प्रबंध नूं। जिस कौम दा प्रबंध कमजोर होएगा, कलाम भावें किन्नी उच्ची होवे, ओह कौम सहजे सहजे पतन दी खट दे अंदर डिगना शुरू कर देंदी है, क्योंकि निजाम दे हत्थ है उस गुरबाणी नूं प्रचारना है ते किवें प्रचारना है, गुरबाणी नूं लोकां दे घरां तक पहुंचाउणा है किवें पहुंचाउणा है। असाई मिशनरी तुहाडे घरां दा दरवाजा खड़का के तुहानू फ्री दे अंदर लिटरेचर आण के देंदे ने, तुसी लख आर्गूमेंट उन्हां दे नाल करो, उन्हां दे नाल वाद विवाद करो, कौड़े फिक्के बोल बोलो, असी सिख हां, असी ये तुहाडा लिटरेचर रखना नहीं, ओह बड़ी अधीनगी ते प्यार दे नाल पेश आउंदे ने, ओह कहिंदे ने कोई गल नहीं, साडा ये इतिहास तुसी लै के अपने पास रख लो, और जब तुसी अपने पास लेके रखोगे उन्हां दा मतलब की है, तुसी नहीं पढ़ोगे कोई ना कोई तुहाडे परिवार विचों कोई दूसरा पढ़ लवेगा, तुसी नहीं पढ़ोगे, चलो कदी ना कदी बहिंदिया उठदिया परिवार दा कोई दूजा मैंबर पढ़ लवेगा। तो खैर, किसी भी कौम दे पास तीन चीजां हुंदियां ने, अहले कलाम, अहले मुकाम, अहले निजाम। साडे पास कलाम ते बहुत सुची है, साडे पास मुकाम भी खरा है हरिमंदर साहब, निजाम दे अंदर कमी है, और हेठों लेके उपर तक निजाम दे अंदर कमी है। निजाम दा कम केवल इना नहीं है कि इट्टां पत्थरां दे उत्ते पैसे लाउणे ने। मैं फिर बेनती करा, प्रचार दा तौर तरीका की है, लोकां तक इस कलाम नूं पहुंचाउण दा तौर तरीका की है। साडे कोल जिहड़ी पाक पवित्र बाणी है, ऐलानिया कह देना चाहना कि पूरी दुनिया दे अंदर
धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पैरलर इन्हां दे मुकाबले दा ज्ञान किसे कौम दे कोल नहीं है। असी इन्ना पिछे रह गए कि इस पवित्र बाणी दा ज्ञान असी लोकां दे हिरदियां तक पहुंचाउण विच कामयाब ना होए। खिमा मंग लवां बोल कुछ मेरे इस तरह दे ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर भगत ने, भगत रविदास साहब ने, भगत कबीर साहब ने, बाबा फरीद साहब ने, जयदेव साहब ने, सैन साहब ने, भगतां दी बाणी, गुरु साहिबाना दी बाणी, पट जना दी बाणी और गुरु के सिखां दी बाणी, टोटल 36 लखारियां दी बाणी। खैर जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर है, असी उन्हां कौमां जातां बरादरियां नूं भी अपने नाल जोड़न विच समर्थ नहीं होए, असी उन्हां नूं भी अपने नाल जोड़न विच कामयाब नहीं होए। सहजे सहजे वो लोग निखड़दे जा रहे ने। क्यों निखड़दे जा रहे ने? साडे निजाम दी कमी दे कारण। उपरों लैके SGPC तों लैके निजाम जिस तरह दा होना चाहीदा सी नहीं है। गुरबाणी दा सुचा ज्ञान लोकां दे हिरदियां तक, लोकां दे घरां तक पहुंचाउण दा जो योगदान सानू पाउणा चाहीदा सी ओह नहीं पा सके, कारण कि निजाम दी कमी। खैर मैं इत्थे ज्यादा रुका ना, अपने विषय की भूमिका मैं तुहाडे सामने अर्ज कर रहा सां। इतिहास पर इतिहास ओ जिहड़ा मुकम्मल होवे, इतिहास ओ जिहड़ा चंगा होवे। इतिहास गुरु साहिबाना दी कृत नहीं है, गुरु साहिबाना ने सिरजिया है। लिखिया किन्ने? आम लखारियां ने लिखिया। लिखिया किन्ने? आम मनुख ने लिखिया। गुरबाणी आम मनुख दी नहीं है, गुरबाणी गुरु साहिबाना दी है। इस करके कोई कमी नहीं, इतिहास दे लखारी आम मनुख ने। आम मनुख ने जे इतिहास लिखिया है ते हर बंदे दे अंदर कोई ना कोई थोड़ा बहुत अधूरापन हुंदा है, ओ अधूरापन इतिहास दे अंदर किधरे ना किधरे मिल भी जांदा है। ये बेनती मैं तां कर रहा। भाई साहब भाई मणि सिंह साहब जी एक गल क्या करदे सन कि इतिहास पढ़न लग्या हंस दी बिरती बना के इतिहास नूं पढ़िया जाए, इतिहास सुनन लग्या हंस दी बिरती बना के सुनिया ते पढ़िया जाए। क्यों? हंस दुध ते पानी नूं वखरा वखरा कर देंदा है। इतिहास पढ़न वाला, सुनन वाला, सुनाउन वाला जो मिलावट उन्हूं चुके पासे कर दवे, जो खरी गल गुरबाणी दी कसवटी दे उते पूरी उतरदी होई गल, गुरबाणी दे आधार दे उते बिल्कुल ढुकदी गल उन्हूं पेश करे संगतां दे अंदर, बाकी गल नूं पेश ना करे, उन्हूं कट के पासे रख दवे। तो खैर इतिहास आम मनुख दी कृत है। आम मनुख दी कृत होण दे कारण इतिहास दे अंदर किधरे ना किधरे कमी मिल जांदी है। गुरबाणी दे अंदर कोई कमी नहीं, इतिहास बंदे दी कृत है। एक बेनती मैं होर करदा चला। सर जोगिंदर सिंह साहब जी एक गल क्या करदे सन, वो कहिंदे सन कि कौम दे पास उसारू इतिहास होवे और उस इतिहास नूं ओ कौम दे पैरोकार वसनीक मैंबर पढ़दे रहन, ते जिहड़े इतिहास नूं वाचन वाले, पढ़न वाले ने, सुनन वाले ने, याद रखण वाले ने, ओ कौम कदी भी डूंगी पतन दी खड्ड दे अंदर डिगदी नहीं, ओ कौम कदी गुलामी दी जंजीर दे अंदर बजदी नहीं, जिन्हां कौमां नूं अपना इतिहास याद रहिंदा है। असीं इतिहास सिरजना जाणदे आं, खिमा चाहवांगा इतिहास नूं संभालना नहीं जाणदे, इतिहास नूं सिरजना जाणदे आं, सिरज लैंदे आं बाखूबी ढंग दे नाल, पर बाखूबी ढंग दे नाल प्रचारना भी नहीं जाणदे, बाखूबी ढंग दे नाल असीं उहनूं संभालना भी नहीं जाणदे, सिरजना जाणदे आं। सिरजन वालियां दीआं कतारां बड़ियां लंबियां ने, पर संभालन वालियां दीआं कतारां इन्नियां लंबियां नहीं है, सिरजन वालियां दीआं कतारां बड़ियां लंबियां ने। तो खैर इतिहास नूं पढ़दे रहना, हर सिख दे अंदर पढ़न दी तमन्ना होवे, पढ़न दी रुचि होवे। कदी सिख कौम दी लोक एग्जाम्पल दिया करदे सन, उदाहरण पेश करिया करदे सन, सिखां दे घरां दे अंदर लाइब्रेरियां हुंदियां सन, सिख इतिहास नूं पढ़दे वाचदे बड़ा सन, पर अज पढ़न वालों ओनी ही किनारा काशी ते रुचि मदम पै गई है, पढ़न दा कोई इंटरेस्ट नहीं। अज पढ़न दी रुचि सब तों वधीक दुनिया दे अंदर अगर है ते ओ दो कौमां दे अंदर, एक ईसाई जगत ते दूसरा यहूदी जगत, इन्हां दोवां कौमां दे कोल पढ़न दी रुचि बड़ी महान है, साडे पास पढ़न दी रुचि बड़ी कमजोर है।
हर गुरुद्वारियां दे अंदर लाइब्रेरियां बनिया ने, पर मैनू एवें लगदा है कि किताबां नू कई कई साल हो जांदे ने कदी किसी ने खोल के नहीं वेख्या। क्यों नहीं वेख्या? कोई पढ़न वाला आवे किताब दी मंग करे ते ताई ओ खुले किताब, वरना खुले किवें? किताबां बड़िया बड़िया आला मिलदियां ने, इतिहास दे पन्ने बड़े बरीक मिलदे ने, पर करिए कि कोई पढ़न वाला कोई नहीं। पढ़न दी रुचि साडे विच्चों जिवें जिवें खत्म हुंदी जा रही है, तिवें तिवें असीं अपने इतिहास नूं भुलदे जा रहे हां, ते या फिर इतिहास दे अंदर मिथिहास दी सहजे सहजे मिलावट हुंदी हुई सानूं नजर पै रही है। तो खैर, इतिहास उही मुकम्मल, इतिहास उही चंगा, इतिहास उही शुद्ध जो गुरबाणी दे आधार दे उत्ते पूरा उतरे। गुरबाणी कुछ होर कहे, इतिहास दूसरे पासे नूं लेके चला जाए, उस इतिहास नूं छड़ देना चाहिए। इतिहास दा आशा गुरबाणी दे मुताबक मिलना चाहिए। जो इतिहास दा पन्ना गुरबाणी दे उल्ट जांदा है उन्हूं छड़ देना चाहिए। गुरबाणी कहिंदी नवरात्रे नहीं पूजने। गुरबाणी ए गल कहिंदी है कि वहम भरम टूना टंजर जंत्र मंत्र दे चक्कर विच नहीं पैना, पर किधरे किधरे इतिहास दा पन्ना तुहानू इस तरह बयान कर देंदा है कि फलानी फलानी थां दे उत्ते इस तरह दा वहम भरम होया। फिर उन्हों इतिहास नहीं मिथिहास कहना चाहिए, झूठा इतिहास, मिथ्या इतिहास, और उन्हों छड़ देना चाहिए, उन्हों नहीं प्रचारना चाहिए। तो मैं लड़ी प्रारंभ करन दा यतन कर रहा। लड़ी है आनंदपुर साहिब तो लैके मुकतसर तक। इस लड़ी नूं मुकम्मल कराउणा है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी ने अपनी कृपा करके आप रोज रोज आके सुनन दा यतन करियो। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा दे नाल अपनी होछी ते अधूरी मत दे नाल मैं ए इतिहास दे पन्ने तुहाडे सामने पेश करन दा नमाना यतन करदा रहांगा। गल चलदी है आनंदपुर साहिब तो। आनंदपुर साहिब प्रगट किवें होया? ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੋਬਾਣਾ। ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲੂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਲੱਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਗਰ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੋਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ। ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਬਣ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਤਾਈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਲਿਆਂਦੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਵਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
संगत की भीड गुरु तेग बहादुर साहब जी दे कोल लगनी शुरू हुई, चढ़ावा चढ़ना शुरू होया, रोज रोज कार पेटावां आउंदियां ने, लंगर चलने शुरू होए, संगत आउनी शुरू होई। एक गल ना ते बाबा धीरमल जी नूं पौंदी सी ते ना बाकी दी सोडी बंस नूं पौंदी सी। एक बेनती मैं होर प्रारंभ विच ही करदा चला, विरोधता शुरू तो लैके नाल नाल ही चलती रही, इन्हीं के नवी चली अज, शुरू तो लैके विरोधता नाल नाल चलती रही। जे श्री राम आउंदे ने ते नाल ही उन्नी उचाई दे अंदर कद लैके आ जांदा है रावण, जे